एवरीबडी अंकित सोलंकी दिस साइड टुडे। वेल दोस्तों, हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। दोस्तों, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार सामने वाले को ना हर्ट कर देते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के जो हमें शायद अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ ना करने चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें जो सिखाया गया है हम तो बेसिकली वही यूज़ करेंगे। वेल, आज मैं आपको आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम चेंजिंग वर्ड्स का ये सेशन रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स चेंज करने वाले हैं, उनकी जगह पर हमने एक पोलाइट और एक बहुत सारे प्यारे वर्ड जोड़ने वाले हैं जो आप जब भी किसी के साथ बात करेंगे, जब भी किसी से बोलेंगे तो वो सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे और सामने वाला भी समझ जाएगा। दोस्तों, इससे आपकी पर्सनैलिटी में ना काफी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या लगता है पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए कहां यहां से ज्यादा बदलना पड़ता है या यहां से बदलना पड़ता है? बट बेसिकली दोस्तों, मैं मानता हूं कि पर्सनैलिटी जब तक यहां से चेंज नहीं हुई ना, तो यहां से चेंज होने का कोई फायदा नहीं है। वेल, एक इंसान जब यहां से चेंज हो गया ना, तो यहां से चेंज होने में देर नहीं लगती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को सबसे पहले मैं यहां से चेंज करूं, उसके बाद आपको यहां से। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे आप पोलाइट वर्ड बोल सकते हैं, इनफॉर्मल से फॉर्मल बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो दूसरों को हर्ट करती हैं जब हम कहते हैं, उनको चेंज करें। वेल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ दोस्तों, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। पहला वर्ड है जो हमें चेंज करना है, वो है सेकेंड हैंड। हम बहुत बार बोलते हैं, अरे तुम्हारे पास तो सेकेंड हैंड कार है, अरे तुम्हारे पास तो सेकेंड हैंड मोबाइल है। तो सेकेंड हैंड की जगह पे हमें यूज़ करना है यूज्ड। दोस्तों, सिर्फ शब्दों का फर्क होता है। किसी के साथ जब आप बात करते हैं ना, तो सिर्फ कुछ शब्द होते हैं जो हमें चेंज करने हैं और सामने वाला हमसे नेगेटिव नहीं होगा। वेल, एक सेकेंड हैंड ना खुद में जैसे ना एक इंसल्ट फील करवाने वाला एक वर्ड है, जो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ना एक सेकेंड हैंड मोबाइल है, या फिर मैं आपको बोलूँ अच्छा आपके पास एक यूज्ड मोबाइल है, मतलब अरे बात वही है। तो आपको क्या करना है, इस सेकेंड हैंड की जगह पे यूज्ड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक यूज्ड मार्कर है, साबुन से आई हैव अ यूज्ड मार्कर, क्लियर है। तो आई हैव अ यूज्ड मार्कर का मतलब क्या है कि मेरे पास एक यूज्ड मार्कर है, सेकेंड हैंड मार्कर है, बात वही। लेकिन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लोग इससे मतलब इंसल्ट फील नहीं करते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं कि सेकेंड हैंड की जगह पे अगर हम उसको यूज्ड बोल दें। वेल दोस्तों, हमारा सेकेंड वर्ड है जो हमें चेंज करना है, वो है पुअर। हम बहुत बार किसी ना किसी को बोल देते हैं, अरे मुझे पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड गरीब रहा है, मुझे पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड पुअर रहा है। नो नीड टू से पुअर। आज के बाद पुअर को चेंज कीजिए और इसकी जगह पे बोलिए अंडर प्रिविलेज्ड। मुझे पता है कि तुम अंडर प्रिविलेज्ड रहे हो, मतलब मुझे पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड अंडर प्रिविलेज्ड रहा है, मतलब कि तुम उन संसाधनों से थोड़े से वंचित रहे हो। बट येस, आई नो दैट यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ, मतलब आप एक अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मीन्स हमें सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, लेकिन कह देनी है वही बात जो हम चाहते हैं या फिर जो उस कन्वर्सेशन के अंदर नीडेड है, मतलब जो जरूरत है। वेल, आज के बाद इस पुअर शब्द को हटा दीजिए, पुअर वर्ड को हटा दीजिए, इसकी जगह पे लगाइए अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड मतलब क्या होता है, जो संसाधनों से वंचित होता है, और पुअर का मतलब आप जानते ही हैं कि भाई गरीब, उसका मतलब भी वही है, बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा उसका जो मीनिंग, जो फीलिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज हो। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फैट। आपने देखा होगा बहुत बार ना, हम किसी ना किसी को बोल देते हैं, अपने दोस्तों को बोल देते हैं, अरे तुम ना मोटे हो, यू आर फैटी, यू हैव फैट। तो इस तरह से हम बहुत बार बोलते हैं। तो इस फैट वर्ड को हटा के ना आज के बाद आपको बोलना है फुल फिगर्ड। यू आर फुल फिगर्ड में और यू आर फैट में फ़र्क होता है। फुल फिगर्ड का देखो, फुल फिगर्ड का मतलब भी वही होता है फैट। फैट का मतलब क्या होता है कि लोगों को ना इस शब्द ने, इस वर्ड ने इरिटेट कर दिया कि मैं मोटा नहीं हूँ। लेकिन हम उसको बोल दें, देखो कई बार ना हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, मीनिंग सेम होता है, बस सामने वाले को हमने फीलिंग उस वर्ड की नहीं देनी है, लेकिन बात वही कहनी है। सो अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू से कि हमने क्या बोलना है, हमने बोलना है फुल फिगर्ड। जैसे यू आर फुल फिगर्ड मतलब क्या है कि तुम्हारा जो फिगर है वो फुल है, मतलब भाई तुम मोटे हो, अल्टीमेटली मीनिंग तो वही है। तो हमने सिंपल बोल देना है फुल फिगर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो आगे बढ़ते हैं। वेल दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है हैंडीकैप्ड। वेल सी, यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा मीनिंग यहाँ पे किसी को भी कोई भी फीलिंग हर्ट करना नहीं है। मीन्स अल्टीमेटली मैं आप सभी को ना बताना चाहता हूँ कि इनको आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आई वॉन्ट के ना आपके जो हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स हों या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उनमें चेंज आए। आप लोगों की तरह बातें ना करो, लोगों की तरह ना बोलो, लोगों की तरह बिहेव ना करें, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो उससे आपकी, कहते हैं ना कई बार, या फिर यही कहा जाता है कि आपके जो अंदर की दुनिया होती है ना वो बाहर दिख जाती है। तो आप माइंड में क्या सोच रहे हैं, दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है,
वो आपके शब्द बताते हैं। सो इसलिए इन शब्दों को चेंज करना बहुत जरूरी है। सी, हर कोई चाहता है कि मैं एडवांस बनूं, तो क्यों ना इन पे भी एडवांस बन लिया। वेल नेक्स्ट दोस्तों वो है हैंडीकैप। हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारा भाई तो हैंडीकैप है, अरे अच्छा अच्छा तुम्हारे मामा का लड़का, तुम्हारे मामा की लड़की, अरे तुम्हारा भाई, अरे तुम तो हैंडीकैप्ड, हम बहुत बार बोलते हैं। वेल चेंज इट, इट डजंट साउंड गुड। वेल हैंडीकैप की जगह पे आप लगा सकते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। हैंडीकैप की जगह पे आप इसको चेंज करके आप लगा सकते हैं फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब भी वही होता है जो फिजिकली कोई भी चैलेंज फेस कर रहा है। चैलेंज का मतलब क्या होता है? समस्या। भाई चैलेंज को अगर हम देखो, चैलेंज एक पॉजिटिव वर्ड है और एक जो प्रॉब्लम होता है ना वो नेगेटिव वर्ड है, मतलब दोनों का सेम होता है। भाई आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। जैसे आपको पता है कि हमने एक वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली हमारी वही वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेल दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हैंडीकैप के ऊपर। हैंडीकैप मतलब हमने नहीं बोलना है, हमने बोलना है फिजिकली चैलेंज, जो कोई भी चैलेंज फेस कर रहा है फिजिकली, ठीक है, तो फिजिकली चैलेंज बोलिए। वेल दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में एक गिफ्ट दूंगा। वेल अब टाइम आ गया है कि उस गिफ्ट को रिवील करा जाए। वेल वो गिफ्ट आपके लिए क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट के अंदर आपको वो गिफ्ट मिलने वाला है। एंड यस गाइज, यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, बहुत खुश होने वाले हो उसको सुनने के बाद, वो मिलने के बाद। तो अगर आप रोहतक से हैं या फिर रोहतक के आसपास किसी एरिया से हैं जो रोहतक आ सकता है, और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए ओपनिंग करी है मैंने स्मार्ट लाइफ क्लासेस की। वेल दोस्तों, स्मार्ट लाइफ क्लासेस रोहतक के अंदर हैं। और हाँ, अगर आप एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंसी लेके आना चाहते हैं, और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने ओरा को अपनी पर्सनैलिटी को क्लासी और रॉयल बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दशहरे और दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को भारी डिस्काउंट और ऑफर के साथ दे रहा हूँ। जो कोर्स पहले मैं 11,000 रुपये, 12,000, 13,000 रुपये के देता था, अभी वो कोर्स 50% डिस्काउंट नहीं, 70% डिस्काउंट के साथ मैं आप सभी को दे रहा हूँ। मीन्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि क्या आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस साइट पर जाना है और कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है, नहीं तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन गेट टू नो अबाउट ऑल द कोर्सेज एंड द सीरीज, के उस सीरीज में या फिर उस कोर्स में मेरे को मिलने क्या वाला है। वेल दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, और हाँ, अल्टीमेटली इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, अल्टीमेटली अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, तो दोस्तों अभी आइएगा। वेल, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि दीपावली और दशहरे के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, वेल डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, आइए और सीखिए ऑफलाइन में कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप कर सकते हैं। वेल, आप सभी को मैंने बताया था ना कि मैं पर्सनैलिटी को यहाँ से नहीं, पहले यहाँ से चेंज करता हूँ। अगर यहाँ से चेंज हो गए ना, तो यहाँ से चेंज होने में मिनट नहीं लगती है। वेल, दोबारा आ जाते हैं, और हाँ, अभी यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडमी के बारे में, और हाँ, आपको नंबर भी मिल जाएगा, कॉल करके पूछ सकते हैं। तुम्हारे वो मर गए थे, तो ये मर गए थे, तुम्हारे वो डैड हो गए थे, नो, हमने नहीं बोलना है, हमने इस डाइड वर्ड को चेंज करना है और डाइड की जगह पे लगाना है पास अवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे रवि ले लेते हैं, भाई रवि पास्ट अवे, एक मैं बोलूँ रवि डाइड, तो इन दोनों में ना फर्क होता है। एक सिंपल सा मतलब एक हर्ट करता डाइड है ना, एक फीलिंग्स को देखो, अल्टीमेटली ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स को एकदम से ठेस पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं एकदम से आपके माइंड को ना हिट करते हैं कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है और बोल क्यों रहा है। तो आपको चेंज कर देना है, सिंपल चेंज कर देना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे सब चेंज करना, सारे वर्ड चेंज करना आसान है, सिंपल आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और अल्टीमेटली आप तो देख ही रहे हो ना, तो इन चीज़ों को चेंज कीजिए। वेल डाइट को चेंज कीजिए, पांच सभी वहाँ पे लगा सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। वेल दोस्तों, आगे जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, इसमें हमने इनसे हटके थोड़ा सा लिया है, सो दैट आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मैं दे पाऊँ। वो है दोस्तों एक वेरी इजी, हम बहुत बार बोलते हैं अरे हाँ बहुत आसान है, तो इस वेरी को आप हटा सकते हैं। अल्टीमेटली दीक्षी मैं आपके लिए इस वेरी को हटाकर, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप बोल सकते हैं, इस वेरी को हटाकर मैं आपको एक फुल वीडियो में कवर करने वाला हूँ सभी को। सो उससे पहले हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं। तो अगर आप बोलते हैं वेरी इजी, तो आज के बाद इस वेरी इजी को हटाइए, और हाँ, वेरी इजी की जगह पे आप लगाइए एफर्टलेस।
जैसे लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी, लर्निंग इंग्लिश इज एफर्टलेस, मतलब बिल्कुल कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपके लिए कंडीशन रहेगी, अगर आप स्मार्ट लाइव क्लासेस पे हैं तब एफर्टलेस है, वरना तो आपको ग्रामर रूल्स एडजेक्टिव प्रोनाउंस टेंस वगैरह पे उलझा के खड़ा कर दिया जाएगा, तो फिर ये एफर्टलेस नहीं है। लेकिन अगर आप आते हैं स्मार्ट लाइव क्लासेस तो ये क्या है, इट्स वेरी इजी, इट्स एफर्टलेस। क्लियर हो गया यहाँ तक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वो है वेरी क्लीन। हम बहुत बार बोलते हैं अरे ये रूम तो बहुत क्लीन है यार, इट्स वेरी क्लीन। नो, आज के बाद वेरी क्लीन इज स्पॉटलेस बोलिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ व्हाइट बोर्ड इज स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब क्या हो गया, वेरी क्लीन। तो वेरी वेरी हम बहुत बार लगाते हैं, तो इस वेरी को चेंज करना है। सी, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसी वीडियोस को मैं बार बार रिपीट करूँ और भी लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइक भी कर देना। बोल दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और वो है वेरी सैड। इस वेरी सैड को कहना छोड़ के आप बोलना शुरू कर दो सोरोफुल, सोरोफुल बोलिए, ठीक है। जैसे यू आर वेरी सैड, नो यू आर सोरोफुल, व्हाट हैपन, यू आर सोरोफुल, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो, तुम बहुत दुखी हो, क्या हो गया, तुम बहुत उदास हो, क्या हो गया। सो से सोरोफुल, नॉट कि यू आर वेरी सैड, ही इज वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, आई वाज वेरी सैड, नो आई वाज सोरोफुल, यू आर सोरोफुल, यू वर सोरोफुल, ही वाज सोरोफुल, ही इज सोरोफुल, सी इज सोरोफुल, सी वाज सोरोफुल। सो से सोरोफुल, नॉट वेरी सैड। वेल दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हाँ दोस्तों लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, और हाँ दोस्तों भूलना नहीं है स्मार्ट लाइफ क्लासेस बिना ग्रामर, बिना रूल्स, बिना प्रीपोजिशन, बिना कंजक्शन, बिना टेंस, आप आइएगा जरूर, विजिट कीजिएगा एक बार जरूर, अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सी चेंज, अगर आप भी चाहते हैं अपने हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। वेल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। वेल कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हाँ कब आ रहे हो कॉल जरूर करना है, नहीं तो डायरेक्ट विजिट कीजिए ना, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आके देखिए, हमें बताइए कि आपको कहाँ पे समस्या है इंग्लिश में, आप बताइए हमें आपको पर्सनैलिटी को कहाँ पे, क्या आप जॉब पाना चाहते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो आइए ना स्मार्ट लाइफ क्लासेस, मैं दूंगा आपको ट्रेनिंग, मैं करूँगा आपको ट्रेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। वेल बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।